वेलकम बैक टू माई चैनल सोल्यूशन इज फॉर यू। आज की वीडियो जॉब के रिलेटेड वीडियो रहने वाली है, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई की पोस्टर्स निकली है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टर्स है, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी पोस्टर्स निकली है। इसके अलावा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपने इसके लिए जो अप्लाई का जो भी प्रोसीजर है वो हम आपको सेटअप बाय सेटअप दिखाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है इस पोस्ट के लिए, इसके अलावा स्टार्ट डेट एंड एंड डेट क्या रहने वाला है इस पोस्ट के लिए, ये सब चीजें हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे। ड्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में jkpsc.nic.in जो है वो क्लिक करना है, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट्स है रिक्रूटमेंट्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले रिक्रूटमेंट्स के बाद आपने यहाँ पे जॉब्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवर्टाइज नोटिस पीएसआर डीआर 2022-15 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई इन जीसीईटी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है वो 1 जुलाई से रहने वाला, और लास्ट डेट जो इस एप्लीकेशन के लिए वो यहाँ पे 31/7/2022 रहने वाला है। आपने यहाँ पे किस पोस्ट पे कैसे अप्लाई करना है, कैसे साइन अप करना है, ये सब चीजें हम आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके साथ नोटिफिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन भी आपको इनकी वेबसाइट जो है वहां से ही मिल सकती है। वहां पे आपने एडवर्टाइज में जाना है, वहां से आप नोटिफिकेशन जो है वो आप वहां से ले सकते हैं। नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है फिलिंग ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई इन जीसीईआरटी हायर एजुकेशन में, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें वो हम ऑलरेडी आपसे मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, नेम ऑफ द डिसिप्लिन यहाँ पे सबसे पहले मैथमेटिक्स की यहाँ पे एक पोस्टर निकली है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 2 पोस्टर्स निकली है, इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की 2 पोस्टर्स, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 2 पोस्टर्स निकली है, सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे 8 पोस्टर्स निकली है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की यहाँ पे 3 पोस्टर्स निकली है, इसी तरह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 2 पोस्टर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 2 पोस्टर्स निकली है, इसी तरह ईसीई की 4 पोस्टर्स, ईई की यहाँ पे 2 पोस्टर्स निकली है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे लाइब्रेरियन की बात करें यहाँ पे 3 पोस्टर्स निकली है, और यहाँ पे अगर हम फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर की बात करें यहाँ पे जो पोस्टर्स है वो यहाँ पे 3 रहने वाली है। पे लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें यहाँ पे आपको 15,600 to 39,100 प्लस एजीपी जो 6,000 है वो आपको यहाँ पे इस जॉब के लिए रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लाइब्रेरियन की बात करें आपको यहाँ पे 15,600 to 39,100 रहने वाला, सेम इसी तरह जो है पीटीआई का भी यहाँ पे जो है पे रहने वाला है। प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, सबसे पहले अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, अगर आपने मैथमेटिक्स में जो है वो अगर आपने पीजी करा है विद 55% आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके साथ नेट भी है वो आप यहाँ पे जो है वो भी दे सकते हो। अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग की पोस्टेस की बात करें, अगर आपके पास बीई और बीटेक या अगर आपने मास्टर डिग्री किया है आप इन पोस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए आपकी जो है आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी आपको होनी चाहिए, एटलीस्ट 55 मार्क्स आपको होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम पीटीआई की बात करें आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन, या अगर आपने सपोर्ट साइंस में विद एटलीस्ट आपकी 55 मार्क्स जो है वो होनी चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ दिया गया है कि हैज रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन और स्टेट कॉम्पिटिशन अगर आपने किया है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा द कैंडिडेट
स्टेटस मस्ट हैव क्लियर नेट स्लेट और सेट होना चाहिए। इसके अलावा पास आउट द फिजिकल फिटनेस टेस्ट पेपर एज स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड हियर अंडर। यहाँ पे कुछ फिजिकल दिया है, जैसे आपने यहाँ पे जो है 12 मिनट्स रन और वॉक करना है, अप टू 30 ईयर एज अगर आपकी है आपने 1800 मीटर करना है, 40 ईयर अगर है 1500, और 45 ईयर आपकी यहाँ पे अगर एज है आपने यहाँ पे 1200 जो मीटर है वो यहाँ पे रन करना है। इसी तरह वुमेन के लिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दिया गया है। एज की अगर हम बात करें ओपन मेरिट में आपकी जो एज है 11204 आफ्टर इसकी आप जो है वो आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा 1982 से पहले अगर आप बॉर्न हुए हैं आप इस पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पोस्ट में। इसके अलावा ये जो पोस्टर्स है ये ओनली फॉर द पीपल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहने वाली है। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो लेटर आपको जरूरत पड़ती है। इसके अलावा सेंटर ऑफ इंटरव्यू की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो आपको इंटरव्यू है वो जम्मू एंड कश्मीर PSC सोलिना श्रीनगर और रेशमा गर कॉलोनी या बख्शीनगर जम्मू इन जगह पे जो है सेंटर ऑफ इंटरव्यू रहने वाला है। जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है आप वहाँ पे इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए दे सकते हो। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपने यहाँ पे 1000 रुपए पे करना है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपने 500 पे करना है, अगर आप PHC कैंडिडेट से आपने यहाँ पे कोई भी फी जो है वो पे नहीं करना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड आपने यहाँ पे DOB जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन है मार्क्स कार्ड वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, PG डिग्री की जो सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे जो है अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आपके पास नेट सेट सिलेट और PhD है, वन ऑफ द थ्री अगर आपके पास है आप यहाँ पे वो भी अपलोड कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब जाके आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या अगर आप इन सर्विस है वो आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी। इसके अलावा अप्लाई करने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं वो हम आपको लाइव दिखाएंगे इस वीडियो में कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। आपने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, आपने उस लिंक पे जो है वो क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपका नेम है वो यहाँ पे एंटर करना है, फादर्स नेम देना है, DOB जो भी है आपका सबसे पहले आपने यहाँ पे डेट जो है वो सिलेक्ट करना है, इसी तरह आपने यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है, इसी तरह आपने यहाँ पे जो ईयर है वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। ये सब डिटेल्स फिर करने के बाद आपने यहाँ पे जो आपकी ईमेल है वो देनी है, कंफर्म ईमेल देनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे देना है, कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हो, सोशल कास्ट क्या है आपकी वो आपने यहाँ पे देनी है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, इसी तरह यहाँ पे इथिनो लिंग्विस्टिसिटी आपने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करनी है, आप कोशर डोगरा गुजर बकरवाल किस से बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करना है, रिलीजन कौन सा है आपका वो सिलेक्ट करना है, जेंडर क्या है आपका वो सिलेक्ट करना है, आप मैरिड है कि अनमैरिड वो सिलेक्ट करना है। जिस भी फील्ड पे यहाँ पे स्टार है दैट मीन वो जो फील्ड है वो यहाँ पे मैंडेटरी है और आपने वो मैंडेटरी फिल करना है। लास्ट में आपने यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पे देना है, वेरिफिकेशन कोड देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल एडिट करें आपने यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल जो वो करेक्ट है आपने यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रीन वाला क्लिक हियर है इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मैसेज आएगी यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, उसके बाद आपका जो यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे नीचे दिया गया होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे यूजर ये पूछते हैं कि हम यूजर नेम और पासवर्ड है वो कहाँ से लाएंगे। आपने अपना जो ईमेल है वो चेक करना है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी ईमेल जो है वो आई होगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो अपना अकाउंट है वो एक्टिवेट करना है। क्लिक हेयर जो यहाँ पे ऑप्शन है आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन जो है वो यहाँ पे करना है। OTP आपकी ईमेल में आया होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो OTP है वो यहाँ पे ये दिया गया है। आपने ये जो OTP है वो यहाँ पे क्लिक करना है। OTP यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड जो है वो यहाँ पे रखना है। इसी तरह फिर आपने यहाँ पे कंफर्म न्यू पासवर्ड पे क्लिक करना है। पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा पॉपअप शो हो जाएगा, अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन है लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जो यूजर नेम है वो यहाँ पे एंटर करना है और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर करना है।
उसके बाद आपने यहाँ पे जो अपना वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पे देना है और उसके बाद लॉग इन पे क्लिक करना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपको जो अपना अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे जो है वो क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स अपडेट करनी थी वो आपको यहाँ पे अपडेट हुई होगी। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपने यहाँ पे जो एजुकेशन डिटेल्स है, जैसे यहाँ पे अपलोड इमेज है, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपलोड इमेज जो है वो यहाँ पे करनी है। आपने यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है जिसका साइज यहाँ पे 10 to 20 KB का होना चाहिए। अगर आपकी जो इमेज है मोर देन 10 to 20 KB है, आपने imagecompression.com वेबसाइट से इमेज को जो है वो कंप्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसी इमेज जो है वो यहाँ पे आएगी। इसी तरह आपने सेम यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। सिलेक्ट फाइल करने के बाद आपने यहाँ पे इमेज अपडेट्स पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे पॉपअप शो हो जाएगा इमेजेस अपलोडेड। इमेजेस अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन डिटेल्स है आपने यहाँ पे एजुकेशन डिटेल जो है वो फिल करनी है। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे देना है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम पे टिक करना है। रिक्रूटमेंट एग्जाम देने के बाद आपने यहाँ पे जो 10th की मार्क्स डिटेल्स है वो यहाँ पे मैक्स मार्क्स आपको कितने में से आए थे और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑब्टेंड मार्क्स कितने किए वो आपने यहाँ पे देने हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे 12th के मार्क्स जो है वो यहाँ पे देने हैं मैक्स मार्क्स और उसके बाद आपने ओबटेन कितने किए हैं वो आपने यहाँ पे देना है। 10th 12th डिटेल्स देने के बाद ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। अगर आप अपियर कर रहे हो आपने अपियर पे देना है। अगर आपने पास किया है आपने यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करना है। पासवर्ड देने के बाद जो आपकी बैचलर डिग्री है, जैसे अगर आपने बीटेक किया है, बी लाइब्रेरियन किया है, जो भी आपने यहाँ पे किया है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। रिजल्ट डेट क्या रहा है आपका वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो रिजल्ट है बैचलर्स का वो कब रहा है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी तरह आपने जो डिग्री की है वो आपने इंडियन यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको क्या रहा है वो सिलेक्ट करना है। इसी तरह बैचलर डिग्री के मैक्स मार्क्स आपको कितने में से और आपने जो मार्क्स ऑब्टेन है वो आपने कितने किए हैं वो आपने यहाँ पे देना है। फिर आपकी जो परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपने पीजी किया है आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे मास्टर डिग्री किसमें की है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में की है। मैंने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अपना फील्ड जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी तरह आपने जो मार्क्स एप्लीकेबल यस आर नो वो करना है। रेगुलर डिस्टेंस मोड में किया है वो आपने यहाँ पे देना है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी क्या रहा है आपका वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। मास्टर डिग्री रिजल्ट डेट आपका क्या रहेगा यहाँ पे आपने वो जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मंथ जो है वो यहाँ पे देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जुलाई देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है वो आपने यहाँ पे डेट देना है। इसी तरह अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट 5 ईयर इंटीग्रेटेड किया आपने यस पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है यस करना है। उसके बाद जो डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपने एमफिल किया है आपने यस करना है। उसके बाद डिटेल्स देनी। इसी तरह अगर आपने पीएचडी किया है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी तरह सेट नेट और अगर आप जेआरएफ है वो आपने यस करना है। उसके बाद डेट देना है। इसी तरह डेट ऑफ डिक्लेयर रिजल्ट फॉर जेआरएफ वो आपने देना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है यस करना है। इसी तरह सपोर्ट सर्टिफिकेट है यस करना है। इसके अलावा अगर आप कोई इवेंट टाइप रहा है वो आपने यहाँ पे देना है। इसके अलावा पार्टिसिपेशन अगर आपने सपोर्ट्स में की है, किस सपोर्ट्स में आपने की है वो आपने यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है। इसी तरह वेदर डिबेयर्ड बाई एनी कमीशन यस आर नो। इसी तरह अगर आपके कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो यस करना है। उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड डिटेल्स है वो आपने यहाँ पे देनी है। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपने यस करना है और डिटेल सबमिट करनी है। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद कैंडिडेट्स परमानेंट मेलिंग एड्रेस जो है आपका वो आपने यहाँ पे देना है। इसी तरह तहसील कौन सा है आपका वो सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो यहाँ पे देना है। पिन कोड आपने यहाँ पे देना है। अगर आप परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम विथ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपने यहाँ पे जो है यहाँ पे सेम एज परमानेंट करना है। आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपका फोन विद एसटीडी कोड है वो यहाँ पे देना है। मोबाइल नंबर क्या है आपका वो देना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपने यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का यहाँ पे एक पोस्ट है। मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद मेरी यहाँ पे एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। न्यू विंडो ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपने यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस करनी है। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बाद कोई पॉपअप शो होगा दैट मीन्स आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसीलिए आपको जो न्यू विंडो है वो ओपन नहीं हो रही है। अगर आपको न्यू विंडो ओपन हो रही है दैट मीन्स यू आर एलिजिबल। आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स अभी तक जो है सिलेक्ट की उसके बाद आपने यहाँ पे चूज एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना है। इसी तरह अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो।
इसी तरह आपको जो यहाँ पे पोस्ट नेम है, पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है स्क्रॉल करने, आपने लास्ट में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एबो डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड दिया गया है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। वेरिफिकेशन कोड देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगर आपने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है एडिट करनी है, क्लिक हियर पे करना है। अदरवाइज आपने यहाँ पे जो करेक्ट अगर आपकी डिटेल्स है आपने यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा पॉपअप हो जाएगा जो यहाँ पे डियर एस्पिरेंट यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिशन करना है। आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहाँ पे फॉर्म फिलिंग सक्सेस दिखा रहा है। उसके बाद सेकंड आपको जो है यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप यहाँ पे आपका जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। अपलोड मार्क्स कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। आपने यहाँ पे डायरेक्ट पे क्लिक करना है। डायरेक्ट पे क्लिक करने के बाद अभी इनके वेबसाइट पे जो है वो दिखा रहा है डिसेबल पॉप ब्लॉकर। मैंने एक दो ब्राउजर से भी ट्राई किया था, वहां मुझे सेम मैसेज आई, इनकी ब्राउजर में कुछ डिफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से अभी जो हम डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका हमारा एक पॉपअप जो है वो शो हो जाएगा। उस पर आपने सिलेक्ट करना है कि आपने ग्रेजुएशन का, 10th का, 12th का और पीजी का मार्क्स कार्ड जो है वो वहां पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद लास्ट में जो हमने आपको फी बताया है जनरल कैटेगरी रिजर्वड के लिए कौन सा फी रहने वाला है वो आपने फी जो है वो यहां पे करना है। और उसके बाद लास्ट में आपको पीडीएफ जो है वो शो हो जाएगी। पीडीएफ शो होने के बाद आप जो है आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली यहां पे सबमिट हो जाएगा। अभी जो हमारे एप्लीकेशन का स्टेटस है वो हमने यहां पे फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली फिल किया है। अभी सिर्फ हमने यहाँ पे पेमेंट करनी है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अभी हमें जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ज्यूरिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो हम बता रहे हैं कि पॉप अप डिसेबल। अभी जो इनका पॉप अप है वो यहाँ पे एनेबल नहीं हो रहा है। जब भी यहाँ पे क्यूरी सॉल्व होगी हम आपको इन्फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। उसके बाद प्रिंट लास्ट में करना है और उसके बाद आपको जो फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा ज्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप वो हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स।